गांधी का सांसद पद खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को यवतमाल जिले के दिग्रज शहर में भी दिग्रज शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुराने पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को सांसद पद से हटाए जाने के बाद देश भर में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के निशाने पर है। दिग्रज शहर में भी शहर कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को सांसद पद से हटाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को दिग्रज शहर के पुराने पेट्रोल पंप परिसर में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को कांग्रेस विरोधी और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया। इस मौके पर शहर के कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के समर्थन में और मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाशाही, तानाशाही, बंद करो, इनकलाब, जिंदाबाद। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए बेतुके कारणों के चलते राहुल गांधी के सांसद पद को रद्द किया गया है, जो कि लोकतांत्रिक देश में तानाशाही की मिसाल है। इस मौके पर केंद्र सरकार की डामाडोल अर्थनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन और निजीकरण सहित पूंजीवाद पर भी प्रहार किया गया। निलंबित करण्यात आलेला आहे। त्या संदर्भात दिग्रज तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने दिग्रज येथे आज आंदोलन करण्यात येत आहे। सन्माननीय राहुलजी गांधी हे देशातल्या सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न लोकसभेमध्ये मांडत होते। लोकांच्या अडीअडचणी ह्या लोकसभेमध्येच मांडल्या जातात। लोकशाहीचं मंदिर म्हणून ज्या आपल्या लोकसभेला आपण मान्यता देतो, त्या लोकसभेमध्ये लोकांचा आवाज म्हणून ते त्या लोकसभेमध्ये आवाज उठवत होते। लोकांच्या गोरगरीब जनतेचे जे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, ते बेरोजगारी असो, महागाई असो, लोकांच्या अनेक अडचणी आहेत, ह्या सर्व प्रश्न लोकसभेमध्ये ते मांडत होते आणि तो आवाज दाबण्याचं काम वरच्या मोदी सरकारने केलेले आहे। परंतु काँग्रेसचा सामान्य कार्यकर्ता जरी त्यांचा आवाज दाबण्याचं काम करत असतील, तर गावातील प्रत्येक खेड्यापाड्यातील गोरगरीब जे जनता आहे, काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत, हे सर्व आवाज दाबण्याचा प्रयत्न जरी त्यांनी केला, तर त्या आवाजात उठाव करण्याचं काम काँग्रेसचा प्रत्येक तालुक्यातील कार्यकर्ता करणार आहे। खऱ्या अर्थाने बीजेपीने राहुल गांधी यांना पप्पू संबोधित केलं होतं, परंतु भारत जोडो यात्रा जेव्हा या देशातून निघाली, यांची धास्ती या भारतीय जनता पार्टीने घेतली आणि त्या माध्यमातून संविधान हा प्रत्येक माणसाचा अधिकार आहे, हक्क आहे, हा अधिकार दाबण्याकरता भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी राहुल गांधी हे संसदेत बोलले, त्यानंतर राहुल गांधी संसदेत बोलू नये, या माध्यमातून त्यांनी त्यांचं हा खासदारकीचं जो पद आहे तो रद्द करण्याचा मानस हा घेतला, असा त्यांचा उद्देश आहे। उम्मीदों को तोड़कर देश को निराश रखा है, उसने बर्बादी का नाम विकास रखा है। आज हमारा देश एक तानाशाह, एक हुकुमशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे नेता राहुल जी गांधी ने आवाज उठाई। उन्होंने उनका आज संसद से उनका सदस्यत्व रद्द कर दिया गया। उनका आज गुनाह क्या था? उन्होंने आज देश की जनता की ओर से आवाज उठाई। आज बेरोजगारी के विषय में उन्होंने आवाज उठाई। वो आज हक के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। और आज जो देश का पैसा अडानी जैसे उद्योगपतियों के ऊपर कर्ज माफी के तौर पर बीजेपी सरकार माफ कर रही है, इसके तहत उन्होंने सवाल उठाया है और इसके जवाब न देते हुए आज बीजेपी सरकार के पास में इसका जवाब नहीं है, तो इसके विरोध में उन्होंने एक हुकुमशाही के तौर पर हमारे नेता राहुल जी गांधी का सदस्यत्व रद्द कर दिया है। गोरगरीबाचा आवाज म्हणजे राहुल गांधी यांचा आवाज, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याचा आवाज म्हणजे राहुल गांधी यांचा आवाज,
मित्र या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीने निषेध या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा ठेवलेला आहे. सर्वांना माहित आहे राहुल गांधी गोर गरिबांच्या जनतेच्या आवाजासाठी झटत राहणार आहेत. ते सरकारवर भारी पडत आहेत हे सरकारला लक्षात आलेलं आहे, म्हणून त्यांना लोकसभेच्या बाहेर ठेवण्याचा आणि जेलमध्ये डांबण्याचा प्रयत्न या मोदी सरकारने केलेला आहे. इस विरोध प्रदर्शन में दिग्रज शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे. NBCN न्यूज के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट.